वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आज हम लोग खेलने वाले हैं चेनसॉ मैन, मतलब बनने वाले हैं। और हम लोग को चेनसॉ मैन बनने के लिए ये जो सामने आपको दिख रहे हैं घूमते हुए बहुत सारे, वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, ये लोग डीमन है। और इन लोगों को हम लोग मारेंगे तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट 1 लेवल 1 का मिलेगा। फिर अगर हम लोग बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट लेवल 1 का मिक्स करेंगे तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट 2 मिलेगा। फिर वैसे ही हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट 3 मिलेगा। तो वैसे ही हम लोग को कर करके कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट कर करके हम लोग को अलग अलग सील्स मिलेगा, जिससे हम लोग को पावर जो रहता है चेनसॉ मैन में रहती है, मतलब उसका पावर मिल सकता है। और जो हाथ में वो पकड़ती है वो भी मिलेगा। फिर हम लोग को चेनसॉ मैन का पावर मिल सकता है और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो फटाफट से हम लोग अपना क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। अब यहाँ से एक स्वॉर्ड बनाते हैं और फटाफट से इनको मारना शुरू करते हैं कि इन लोगों को मारेंगे तभी मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो फटाफट से देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, एक को मारने में कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कितना जन को मारना पड़ेगा। फिर हम लोग को इसमें अलग अलग बॉसेस भी लड़ना पड़ेगा। इसमें कुल 3 बॉस हैं, उनको समन करने के लिए भी अलग अलग चीज़ हम लोग को चाहिए होगा। तो देखते हैं पहले इसको मार के हम लोग इसे मार पाते हैं कितने बार में। ऐसे 150 इसका हेल्थ दिखा रहा है ऊपर में। देखते हैं ये वुडन का स्वॉर्ड में कितने बार में मरता है। 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भाई जब तक इनको छेड़ो नहीं तब तक ये मारते नहीं। पर वुडन का स्वॉर्ड जब मारने इसको ये लोग को लगे हैं तो बहुत देर लगेगा। तो मेरे को लगता है मेरे को स्टोन ढूंढ के स्टोन का स्वॉर्ड भी बना लेना चाहिए या आयरन का भी। देखो कुछ इस तरह से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 1 को मारने से 3 मिला, 2 को मारे तो 6 मिला। तो इसी टाइप से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उससे लेवल 2 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर लेवल 3 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसके बाद ही हम लोग कुछ सील्स बना सकते हैं जिससे हम लोग को पावर मिलेगा चेनसॉ मैन का। और पावर का पावर। ये देखो यहाँ पर कुछ सील्स है। ये देखो लेवल 2 का कॉन्ट्रैक्ट नॉट मिलाएंगे जब हम लोग लेवल 1 का, तब बनेगा। तो और देखो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हेड शार्क, तो हम लोग हेड शार्क हेड हो जाएगा और बहुत सारा उसका पावर मिलेगा। तो हम लोग को उसके लिए पहले लेवल 2 का बहुत सारा बनाना पड़ेगा और लेवल 1 का भी ज़रूरत पड़ेगा। पर ठीक है, लेवल 2 बनाने के लिए लेवल 1 का तो ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो फटाफट से हम लोग पहले स्टोन ढूंढते हैं, स्टोन का स्वॉर्ड बनाते हैं और पिकेक्स बनाते हैं और फिर फटाफट से इनको बहुत सारा मारते हैं और कलेक्ट करते हैं। सो गाइस, बहुत सारे डीमन को मारने के बाद मेरे को उसे बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिलहाल मैंने बना लिया अपना पहला सील जो है पावर का। भाई मिला क्यों नहीं? अरे अभी तो क्राफ्ट किए थे, इतना मुश्किल से इतना सारा कलेक्ट करके क्राफ्ट किए थे, मेरा इन्वेंटरी में आया नहीं यार। ओ चूना लगा दिया, क्या झोल चल रहा है। ये देखो इन्वेंट्री पूरा खाली है और मेरा यहाँ पर भी नहीं है। ओ वहाँ सर पे जाके लग गया। ओ भाई पावर का जैसे सर पे सींग रहता है, मतलब जब वो अपना पावर यूज़ करती है तो जैसे सींग आ जाता है वैसा भी मेरे सर पे आ गया। देखते हैं इसे पावर क्या मिलता है। पावर तो कुछ मिला नहीं अभी मेरे को एक्स्ट्रा फिलहाल। मेरे को पता नहीं इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, एक सेकेंड रुको जरा। मेरे को अपना सर से उसको हटा के शायद एक्टिवेट करना हो या कुछ करना हो। यहाँ पर हाथ में पकड़े, अब इसको यूज़ करके देखते हैं कुछ हो क्यों नहीं रहा। ब्रो हो जा भाई कुछ। ओ भाई हो गया, ये इस मेरा सर पे भी चल गया और मेरा हार्ट देखो भाई साहब, ये क्या हो गया, मैजिक कतई जहर। इतना सारा मेरे को कूदने का स्ट्रेंथ रिस्टोरेशन बहुत सारा चीज़ मिल गया। और ये देखो भाई मेरे को इसका जो वेपन रहता है पावर का वो भी मिल गया। और वो देखो इन लोगों को बिना टच किए मार रहा है ये, मतलब डैमेज दे रहा है पॉइजन वाला, अजीब मस्त है भाई। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब इन लोग को मार के देखते हैं डीमन लोग को कितना बार में ये लोग मरते हैं। भाई स्टोन का स्वॉर्ड वैसे भी 3-4 बार मेरे को मारना पड़ जा रहा था, पर ठीक है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये पावर मेरे को मिला है। देखते हैं इस पावर से हम लोग कितना जल्दी और कलेक्ट कर पाएंगे। तो हाँ क्या भाई, इतना सारा डीमन घूम रहा था यहाँ पर और डीमन को भी भाई मॉब्स मारते हैं माइनक्राफ्ट के। मेरे को लगा था मॉब नहीं मारेगा डीमन को, पर डीमन को भी मॉब मारते हैं माइनक्राफ्ट के। कितना क्रीपर पर, ओ भाई एक बार में मर जा रहा अब तो ये लोग। इतनी खुशी। ओ सही है, अब तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेवल 1 का कॉन्ट्रैक्ट करने में कलेक्ट ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अब फटाफट से मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रहा और सारा बनाने का कटाना करके भी है कुछ। और चेनसॉ मैन को तो बनाना भाई, उससे सबसे ज़्यादा पावर मिलेगा शायद। ये देखो क्रीपर भाई साहब फट गए, ठीक है मेरे लिए तो अच्छा ही है, ये लोग का हेल्थ कम कर लिया। वैसे भी ये लोग 1 हिट में मर रहे तो मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं। चलो फटाफट से अपना पावर का पावर यूज़ करते हैं और सबको मारते हैं भाई बहुत सारा कलर। ओ देखो एंडरमैन को मार के देखिए ये कितना हिट में जाता है।
को पता नहीं कितना स्ट्रेंथ है, पर एक बार भी मर गया एंडरमैन भी गाइस। जलवा है हमारा। ओपी बोलते भाई साहब खतरनाक, मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रहा है वो तीन मॉब से लड़ने के लिए। एक तो ऐसी नॉर्मल मॉब है जो हम लोग जिसे लड़ेंगे, फिर एक मिनी बॉस आएगा, फिर एक बॉस आएगा, तो देखते हैं हम लोग उन तीनों से लड़ पाते कि नहीं। पर उनसे लड़ने के लिए भी मेरे को पहले चेनसॉ मैन का पावर चाहिए होगा। वैसे ये आ तो गया है मेरे को, पर पावर का वेपन मस्त है भाई, कितना मस्त कूद पा रहे हैं हम लोग और सबको वन हिट कर रहे, वो ज़्यादा मज़ेदार है। स्केलेटन भाग यहाँ से, ये भगवान क्या जुलुम है। देखो भाई सबको वन हिट कर दे रहे। चलो फटाफट से कलेक्ट करते हैं और सारा कॉन्टेंट और चेनसॉ मैन बना का सील बनाते हैं पहले तो। सो गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद, पूरा रात भर इन डीमंस को मारने के बाद, मेरे को ये देखो हेड शार्क मिल गया। शायद इससे मेरा हेड शार्क का हो जाएगा और उसका पावर मिल जाएगा। वैसे पावर का जो वेपन है वो तो बहुत ज़्यादा मस्त है भाई। ये देखो मेरे को इसके साथ जो पानी का अंडर ब्रीडिंग रहता है ना, शार्क का पावर में मिल गया है। अब हम लोग पानी में भी डीप डाइव कर सकते हैं और हम लोग को सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आना पड़ेगा, बार बार ऑक्सीजन हम लोग को मिलता रहेगा। तो चलो ठीक है कोई नहीं। ओ इससे इसमें ज़्यादा हार्ट भाई, पावर से ज़्यादा हार्ट मिला है इसमें मेरे को, ये सही है। चलो ठीक है फटाफट हम लोग पावर को वेपन पकड़ते हैं और फटाफट फिर से लग जाते हैं अपना काम ही इन लोग को मारने के लिए। भाई कितना ज़्यादा मारना पड़ रहा है, एक से शॉट हमें ज़्यादा ठीक रहता। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। कुछ ज़्यादा हो गया पर ठीक है, कम से कम 10 तो देता तो फिर भी ठीक रहता, पर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है इनको मार मार के कलेक्ट करने के लिए। पर ठीक है हम लोग अगर चाहिए बहुत ज़्यादा पावर तो इतना तो करना ही पड़ेगा। चलो फटाफट से मारते हैं इनको चेनसॉ मैन का, मेरे को तो देखना भाई कितना मस्त दिखने वाला है और क्या क्या पावर मिलेगा एक्स्ट्रा। ये देखो इसको और एक पावर है, कोई भी मॉब के सामने जाओ और इसको क्लिक करके रखो तो उनको पॉइजन का इफेक्ट अपने पड़ते रहेगा। पर ठीक है मेरे पास इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि इसका एक मूव से ही कोई भी मॉब मर जा रहा है, मतलब कोई भी डीमन हो या कोई भी मॉब एंडरमैन तक एक मूव से मर गया तो ठीक है ना, इतना मेरे को पॉइजन का इफेक्ट दे के मारने का ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सबको बस वन हिट करो और स्पीड भी इतना भागते भागते एक कोना से दूसरा कोना। सो गाइस टोटल 2 दिन लग गया मेरे को इन मॉब्स को मारते मारते, डीमन को मारते मारते, कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट करते करते और रेड वाला भाई तीसरा बनाने के लिए तो हालत ही ख़राब हो गया था। पर यहाँ पर फाइनली गाइस रिवॉर्ड मेरे को मिलते हुए और चेनसॉ मैन का मैंने बना लिया और यहाँ पर ग्रे नाड़ा करके कुछ आ रहा था उसका भी मैंने बना लिया है। तो चलो दोनों का पावर यूज़ करके देखते हैं कितना ज़्यादा मस्त होगा। पावर से ज़्यादा था उसमें शार्प वाला में और यहाँ पर चेनसॉ में, देखते हैं मेरे को कुछ वेपन वेपन तो मिला नहीं, देखते हैं इसमें कुछ मिलता कि नहीं। और हार्ट बढ़ गया गाइस मेरे पे, शेट भाई कितना खतरनाक दिख रहा है। चेकआउट करो भाई मेरा लुक, सर देखो भाई पूरा चेनसॉ मैन ही लग रहे हम तो। अच्छा अब मज़ा आएगा ना, यहाँ पर मेरे पास पावर का वेपन है और चेनसॉ मैन का पूरा स्ट्रेंथ और पूरा लुक कितना मस्त दिख रहा है। पर ओ भाई स्पीड और बढ़ गया मेरे को लग रहा है, जैसे ये देखो ड्रोन है यहाँ पर। एक भाई बिना पावर का वेपन से हम लोग एक हाथ मारे उसको वन हिट कर दिए भाई, कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया हम लोग। अब मेरे को बुलाना है वो मॉब से और लड़ना है उन लोग से जो कि इस वर्ल्ड को तबाह करने के लिए आए और हम लोग को उसको बचाना है उससे। तो चलो फटाफट से अपना पहला जो जनरल मॉब है उसको बुलाते हैं। तो उसको बुलाने के लिए हम लोगों को चाहिए वो स्पाइडर आई, ओह शिट सुरंग में गिर गए हम लोग, यहाँ से निकलना पड़ेगा हम लोग को। तो चलो फटाफट से निकलते हैं और ऊपर मॉब को समन करते हैं, सबसे पहले हम फाइट करते हैं क्योंकि हम लोग को तीन तीन मॉब से फाइट करना है। सो गाइस बहुत मुश्किल से ऊपर आया है तो हम लोग को समन करने के लिए चाहिए रॉटन फ्लैश, ये रेड वाला और ये स्पाइडर आई। अब देखो यहाँ पर एक मॉब स्पॉन होने वाला है भाई, यहाँ तो आग लग गया भाई। ये मॉब स्पॉन होने से पहले आग क्यों लगता है, दिमाग ख़राब है यार। यहाँ पर मॉब, अच्छा मॉब नहीं मॉब का स्पॉनिंग एक आया है। चलो ठीक है कोई नहीं, हम लोग खुद मॉब को समन करके उसको मार देंगे। स्पॉन डिवोर्डर भाई नाम से तो खतरनाक लग रहा है और ये सिर्फ पहला ही बॉस है, इसके बाद और दो बॉस आएंगे, देखते हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा हमको। तो फिलहाल इसको इससे लड़ते और देखते ये हम लोगों को कितना मुश्किल देते हैं या हम लोग इसको आसानी से हरा देते हैं। अपना पावर एक्टिवेट कर लिया और हथियार भी हाथ में पकड़ लेते हैं। अच्छा पहले स्पॉन तो कर लेते हैं यार, ये रहा स्पॉनिंग है और यहाँ पर हम लोग स्पॉन करते हैं। आ जा भाई, ओ भाई कितना खतरनाक दिख रहा है ये देखो, चेक इट आउट गाइस। ओ शिट ये क्या है भाई, एक बार में मर गया ये तो चोपा भाई खतरनाक। चलो ठीक है हम लोग दूसरा मॉब को स्पॉन करते, तो हम लोग को ये येलो वाला चाहिए, वो वाला मॉब से जो हम लोग को मटेरियल मिला वो वाला चाहिए। यहाँ पर भी आग लग चुका है, अब लगता है मेरे को फिर से स्पॉनिंग एक आएगा। हाँ आ गया है, चलो इसको भी उठाते हैं। एग्जीक्यूटनर सेंटनल, ठीक है हम लोग पहले अपना पावर एक्टिवेट कर लेते हैं, उतना देर के बाद हम लोग का पावर डीएक्टिवेट हुआ भाई,
बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। पर ठीक है, हम लोग अब दूसरा का पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। पहले चेंसो मैन का था, अब ग्रेनेडियर का। यहाँ सेंटिनल को मैंने स्पॉन कर दिया है। और ये भाई कितना खतरनाक तलवार, देखो एक बार घुमा रहा हम इतना दूर फेंका जा रहे। क्या लगता है हम लोग हरा पाएंगे? और हरा दिए भाई, गोल घूमते रह गया बेचारा, हम लोग इसको मार दिए। तो गाइस हम लोग का फाइनल तीसरा मॉब स्पॉन हो चुका है, और ये इसका नाम है अनबाउंड एलिमेंट। और ये भाई खड़ा हो गया भाई, विदर जैसा क्यों लग रहा है मेरे को? ओ भाई क्या खतरनाक अटैक कर रहा है, इतना बड़ा है पूरा, मजबूत मात्रा पर। ठीक है, इसको अटैक दे, इसका हेल्थ बार रहता तो पता चलता। इसने मेरे ऊपर आग लगा दिया, इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया भाई, ये कब मरेगा पता नहीं। इसके पास कितना ज़्यादा हेल्थ है, तो खतरनाक दिख रहा भाई। मर जा मर जा, कहीं हम लोग का पावर ना डीएक्टिवेट हो जाए। और ये ख़त्म भाई, मर गया। ये क्या था भाई, बहुत स्वाद है टीका, पर ठीक है उतना ज़्यादा खास नहीं था। सो गाइस तीनों बॉब को मैंने हरा दिया है इस वर्ल्ड का, और हम लोग का मिशन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए। आई होप आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे गेम प्ले देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो, और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबा दो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।